नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह नवरात्रि के अवसर पर आज महासप्तमी को मुंगेर के बड़े देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वहां मुंगेर सांसद ललन सिंह से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के लंबे जो कई घंटों से इंतजार कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं और कार्यकर्ताओं को आज ललन सिंह से निराशा हाथ लगी। जी हां, ललन सिंह जो आज देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे थे, वहां उनका इंतजार कई घंटों से कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं को आज निराशा हाथ लगी, क्योंकि ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। और इसे लेकर के आंगनवाड़ी सेविकाओं को जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने इस पर जो उनकी अपनी नाराजगी थी वह भी जाहिर की है। दरअसल ललन सिंह आज मुंगेर गए हुए थे, वही मुंगेर जो कि अपनी दुर्गा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए ललन सिंह मुंगेर के कल्याणपुर पहुंचे थे। और उसी दौरान जब वहां पर ललन सिंह के आने की सूचना मिली तो अपनी कई मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी सेविकाओं कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9-10 बजे से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सेविकाएं वहां आ गई और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के ललन सिंह के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए उनसे समय लेना चाहा था और इसके लिए वे कई घंटों तक इंतजार करते रहे। दोपहर बाद ललन सिंह मुंगेर में मंदिर में पहुंचे और मंदिर में उन्होंने देवी की पूजा अर्चना की, दर्शन किए और उसके उपरांत जब ललन सिंह वहां से फिर से जाने लगे तो लौटने के क्रम में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर के उनसे मिलने के लिए उनके गुहार की, लेकिन कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और इसे लेकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं में एक अपने किस्म का रोष है और जो तमाम वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाएं थी, ललन सिंह से ना मिल पाने का जो उनका गम है, उन्होंने देखिए कैसे अपनी बातें रखी खड़े थे। हम लोग अपनी मांग को ज्ञापन मांग देने के लिए उनके पास खड़े थे, 10 बजे से ही खड़े थे। हम लोगों को आए तो सांसद महोदय आएंगे और उनको देंगे, लेकिन वो लोग हम लोग को डांट करके हटा दिए गए और फिर हम लोग का ज्ञापन भी नहीं लिए। क्या बोले? बोले कि आई प्लेस नहीं है यहाँ पे देने का और यहाँ पे नहीं। कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हो गए? काफी देर से। हाँ। यानी आपकी बात को नहीं सुना गया? सुने हमारी बात को। कितने लोग आप लोग यहाँ पे थे? हम लोग तो क्या से क्या आपका मन तो दुखी हुआ होगा जनप्रतिनिधि है। हम लोग 10 बजे से खड़े हैं देने के लिए तो कोई लिए नहीं, हम लोगों को हटा दिया गया बहुत खराब तरीका से। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अर्चना है। क्या बलियापुर प्रखंड की सचिव?